गजब है कि बढ़िया सा लैपटॉप लेना चाहते हो एंड आपका बजट जो है 30,000 रुपया है। देखो इस बजट में तो कोई गेमिंग लैपटॉप आपको नहीं मिलने वाला, बट एक ऐसा लैपटॉप जरूर मिल जाएगा जिसमें आप ऑफिस वर्क, स्टडी वगैरह एंड ट्रेडिंग वगैरह कर सको एंड थोड़ा बहुत गेमिंग कर सको, नॉट लाइक अ हाई लेवल ऑफ ग्राफिक गेमिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और इसमें हमारा नंबर 5 पे आता है HP 15S। एंड बात करते हैं इसके स्क्रीन की, तो यहाँ पे 15.6 इंचेस का HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और ये 250 nits के ब्राइटनेस के साथ आता है। 60Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है एंड इसमें 8GB रैम एंड 512GB SSD देखने को मिल जाता है। रैम जो है DDR4 होने वाला है। ये इंटेल सेलेरॉन N4500 प्रोसेसर के साथ आता है और इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है इसमें। देखो इतने बजट पे तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलेगा, बट ये भी काफी बढ़िया होने वाला है इस प्राइस पे। इसका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया होने वाला है एंड एज यू नो इसमें आप हाई लेवल गेमिंग नहीं कर सकते हो, आप इसे ऑफिस वर्क, ट्रेडिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हो। ये काफी बढ़िया होना है। 720p वेब कैमरा देखने को मिल जाता है एंड इसका बैटरी भी काफी बढ़िया, फास्ट चार्जिंग है इसमें एंड इसके साउंड क्वालिटी भी काफी बढ़िया। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज होने वाला है एंड होम विंडोज 11 देखने को मिल जाता है। एमएस ऑफिस 2021 लाइफ टाइम के लिए फ्री देखने को मिल जाता है। इसका डिजाइनिंग काफी बढ़िया है, ये लाइट वेट है, आप इसे कॉल कर सकते हो, ये आपको 25,990 रुपए में मिल जाता है। नंबर 4 पे हमारा है लेनोवो आइडियापैड 3। एंड बात करते हैं इसके स्क्रीन की, तो यहाँ पे 15.6 इंचेस का FHD स्क्रीन देखने को मिल जाता है एंड इट्स एंटी ग्लेरिया स्क्रीन। 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 220 nits ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। 8GB रैम एंड 512GB SSD के साथ आता है। रैम ऑफ कोर्स DDR4 होने वाला है। इंटेल सेलेरॉन i3 11th जेन प्रोसेसर के साथ आता है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है, काफी बढ़िया होने वाला है एंड इट्स अ लाइट वेट 1.7 kg का है। ये काफी बढ़िया सा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, 7 घंटे का बैकअप ये इजीली दे देता है। 720p वेब कैमरा देखने को मिल जाता है एंड कैमरा जो है आप अपने हिसाब से बंद कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। एमएस ऑफिस 2021 इसमें आपको फ्री देखने को मिल जाता है एंड एक्सबॉक्स गेमिंग पास 3 महीने के लिए मिल जाता है। एंड इसमें स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाता है, डॉल्बी साउंड्स मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका भी विंडोज होने वाला है एंड होम विंडोज 11 देखने को मिल जाता है। ये प्लास्टिक बॉडी होने वाला है एंड आप इसे चेकआउट कर सकते हो, ये आपको 30,490 रुपए में मिल जाता है। वैसे भी आप जितने भी लैपटॉप्स देख रहे हो सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप सभी को चेकआउट कर सकते हो। बाकी नंबर 3 पे हमारा है Asus VivoBook 15। एंड बात करते हैं इसके स्क्रीन की, तो यहाँ पे 15.6 इंचेस का HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है एंड इट्स एंटी ग्लेरी डिस्प्ले। 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 220 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। 8GB रैम एंड 512GB SSD देखने को मिल जाता है इसमें एंड ये इंटेल सेलेरॉन 4020 प्रोसेसर के साथ आता है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड इसमें भी देखने को मिल जाता है एंड इसका परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया होने वाला है, आप इसे स्टडी पर्पस एंड ऑनलाइन स्टडी के लिए यूज कर सकते हो। इट्स अ लाइट वेट, फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है एंड आई थिंक इस बजट में जल्दी फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलता है। एंड इसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज होने वाला है एंड होम में विंडोज 11 देखने को मिल जाता है। ये लाइट वेट होने वाला है, 1.8 kg का है। 7 आवर ऑफ बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। HD वेब कैमरे के साथ आता है। बैकलाइट कीवर्ड देखने को मिल जाता है एंड इसमें भी एमएस ऑफिस 2021 लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है एंड काफी एंटीवायरस जो है 1 साल के लिए फ्री मिल जाता है एंड आप इसे चेकआउट कर सकते हो, ये आपको 27,999 रुपए में मिल जाता है। नंबर 2 पे हमारा Acer 140। बात करते हैं इसके स्क्रीन की, तो यहाँ पे 14 इंचेस ऑफ TFT LCD स्क्रीन देखने को मिल जाता है एंड इट्स एंटी ग्लेरी डिस्प्ले। 60Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है एंड ये 220 nits के पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। 8GB रैम एंड 256GB SSD के साथ आता है। बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको AMD Ryzen 3 3250U प्रोसेसर देखने को मिल जाता है एंड इसमें भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है एंड इट्स AMD Radeon ग्राफिक जो कि काफी बढ़िया है इस प्राइस पे। विंडोज 11 देखने को मिल जाता है होम पे एंड ये लाइटवेट है, 1.5 kg का है और ये भी 7 घंटे से भी ज्यादा बैटरी बैकअप इजीली दे देता है। HD वेब कैमरा देखने को मिल जाता है एंड आप इसे चेकआउट कर सकते हो, ये आपको 26,990 रुपए में मिल जाता है। एंड नंबर 1 पे हमारा है इन्फिनिक्स इनबुक वन प्लस एंड इट्स अ टोटली मेटेलिक बॉडी और इस बजट में जल्दी मेटेलिक बॉडी नहीं देखने को मिलेगा जो कि काफी बढ़िया है और इसका डिजाइनिंग भी काफी अमेजिंग होने वाला है। एंड बात कर लेते हैं इसके स्क्रीन की, तो यहाँ पे 15.6 इंचेस का FHD स्क्रीन देखने को मिल जाता है एंड इसका पीक ब्राइटनेस जो है 250 nits होने वाला है। 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड इसके डिस्प्ले का भी कलर काफी बढ़िया होने वाला है। 8GB रैम एंड 512GB SSD के साथ आता है एंड इसमें इंटेल कोर i3 10th जेन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, साथ ही इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है, काफी बढ़िया सा बैटरी बैकअप मिल जाता है एंड यह फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जिंग में टाइप सी देखने को मिल जाता है। AZ ग्लास टच पैड देखने को मिल जाता है। 2 MP का HD वेब कैमरा देखने को मिल जाता है एंड यह बैकलाइट कीबोर्ड के साथ आता है एंड होम में विंडोज 11 देखने को मिल जाता है, आप इसे चेकआउट कर सकते हो, ये आपको 28,490 रुपए में मिल जाता है। वैसे आप सभी को चेकआउट कर सकते हो, इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना एंड यू नो व्हाट यू हैव टू डू।